हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बिल्कुल अलग है। इवन सच कहूँ तो ये टॉपिक हम कभी इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं, कभी इस टॉपिक को अहमियत ही नहीं देते अपनी लाइफ में। माँ बाप का जो प्यार है ना, वो बिल्कुल अलग है, हर रिश्ते से अलग है। बिना लालच का प्यार है, इवन मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद जो भी रिश्ता होता है ना दुनिया में, हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपके दुख में, आपके सुख में हमेशा आपके साथ होता है, हमेशा आपके लिए खड़ा होता है। इवन अगर मैं कुछ कहानी में कहानी सी बता दूं और समझाऊं, जैसे जब हम छोटा हुआ करते हैं ना, तो माँ बाप कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी मुश्किलें उठाते हैं आपको बड़ा करने में। और जब आप बड़े होते हो ना, तो कैसे हो आप, कैसे भूल जाते हो, कैसे भूल पाते हो। आपको पता है माँ बाप के दिल में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब हम छोटे हुआ करते हैं ना, तो हमारी माँ सुबह की नींद के लिए तरसती है कि वो सुबह को सो पाए, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए ही जीती है। आपको स्कूल के लिए तैयार करती है, आपका ब्रेकफास्ट बनाती है, आपको स्कूल भेजती है ना, तब पूरे दिन आपका सोचती है अच्छे से होता होगा ना, अच्छे से रह रहा होगा ना, कहीं चोट तो ना लग जाए। और जब आप आते हो ना, पूरे दिन आपके इंतजार में रहती है। जब आप आते हो तो गले लगती है, आपके लिए स्नैक्स बनाती है और आपको कहती है कि बाहर मत जाओ, आपको पता है आपको बहुत मुश्किल, बहुत बुरा लगता है। क्यों मुझे रोकती है खेलने से? वो इसलिए रोकती है आपको कि आपको लगे ना, चोट ना आए, क्योंकि आप ही उनकी दौलत होते हो और आप ही उनकी जिंदगी होते हो और आप ही के लिए वो जीते हैं। जब आप बड़े होते हो तो आपकी पसंद कैसे बदल जाती है। प्लीज समझो इन बातों को, माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलते। और इवन के सच कहूं तो जब आप बड़े होते हो ना, तो आपको माँ बाप की हर चीज समझ आने लगती है कि वो मुझे, मेरे पापा मुझे ये कहते थे, मेरी अम्मा मुझे ये कहती थी, लेकिन पूरी वो वक्त चला गया होता है। वक्त कभी लौट के नहीं आता, कभी पलट के नहीं आता। अरे सोचो ना जरा, जब आप पैदा होते हो तो एस्टिमेट ही लगा लो, आपके माँ बाप 25-26 के होते हैं, उनकी आधी लाइफ तो चली गई होती है। जब आप समझदार हो जाते हो तो बहुत एंड तक पहुंच गए होते हैं, बस कुछ साल होते हैं उन्हें। क्यों ना उनके साथ ये जिंदगी बिताएं, उन्हें खुश रखें, उनके लिए जिए। मैं ये नहीं कहता कि बाकी किसी और रिश्ते की आप कदर ना करें, हर रिश्ते की अपनी अपनी जगह, प्रायोरिटी दो, इज्जत करो, टाइम भी दो। लेकिन प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स, दे मस्ट बी, दे शुड बी एवरीथिंग टू यू एंड टू अस, वो हमारे लिए सब है और होने भी चाहिए। माँ बाप का प्यार ऐसा प्यार होता है ना, जिसकी हम कीमत नहीं लगा सकते। कुछ बातें हम उनसे जब मांगते हैं ना, तो वो कभी कभी क्या होता है कि वो देने के लायक नहीं होते, लेकिन आपको कभी ना नहीं करते। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो कभी ना नहीं बोलते, ना नहीं करते, कैसे भी जीते हो लेकिन अपने बच्चों से शेयर नहीं करते, कभी शेयर नहीं करते। अगर कोई सुन रहा है ना मेरी वीडियो को, तो प्लीज अगर रात को सुन रहे हो ना, सुबह उठ के जल्दी अपने पेरेंट्स को हग करना, बहुत खुशी होगी उनको। अगर बहुत दूर हो, नाराज हो अपने माँ बाप से, तो प्लीज एक कॉल कर लो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे क्यों ना झुक जाएं हम अपने माँ बाप के सामने, हम तो छोटे हैं, क्यों ईगो में, गमंड में क्यों जिए। अरे डांटा है मेरे माँ बाप ने तो क्या हुआ, मैं तो उनका बच्चा हूं, उन्होंने तो मुझे ये जिंदगी दी है, क्यों हम ये भूल जाते हैं। कोई भी
छोटा भाई अगर समझदार नहीं है तो उन्हें वीडियो शेयर करो, शायद इस वीडियो से उन्हें थोड़ा सा एहसास हो, कम से कम अपने माँ बाप को प्यार करने लगे। बहुत सारी ऐसे बातें, बहुत बहुत है मेरे दिल में, बहुत ऐसी बातें जो मैं कहने का दिल करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और आने वाली वीडियोस में जरूर सब बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी ना, प्लीज़ शेयर करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एवरीथिंग, बट प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। क्या पता कोई किसी माँ बाप का कोई बेटा, कोई बच्चा या कोई भी जिसको भी इस वीडियो से ज़रा सा भी असर हो तो मैं शायद इसको इबादत मानूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।